के जेल में रहते हुए भी करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं और नाम दीक्षा लेकर सभी दुखों को दूर करके सर्व सुख प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे वही तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं और प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा और ब्रह्म का क्या संबंध है, वेदों के अनुसार सृष्टि का रचयिता और सर्वोच्च परमात्मा कौन है, पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा प्रमाणित भक्ति विधि क्या है। दोस्तों, आज हम ये भी जानेंगे कि अक्सर शादी में फेरों के समय पंडितों के द्वारा बोले जाने वाला मंत्र कश्यप गोत्री कश्यप गोत्रा मंत्र का रहस्य क्या है। दोस्तों, हमारा इतिहास गवाह है, जो सत्य के मार्ग पर चला उसके साथ ये नकली विद्वान असुर स्वभाव वाले धूर और मूर्ख लोगों द्वारा राजा और प्रजा को गुमराह करके महापुरुषों पर जुल्म करते आ रहे हैं और सच्चाई जानने के बाद जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया। जैसे श्री राम जी श्री कृष्ण जी को पूरे जीवन संघर्ष करना पड़ा, सुकरात जी को जहर दे दिया गया, ईसा जी को क्रस करवा दिया गया, गांधी जी को कई बार जेल जाना पड़ा, गुरु नानक देव जी पानी पर चल सकते थे, अन्य लोगों में भी जा सकते थे, फिर भी बाबर की जेल में 7 महीना 17 दिन रहे। आखिर क्यों? लगभग 600 साल पहले कबीर साहब को इन धूर्त लोगों ने मारा, काटा, जलाया, खूनी हाथी के सामने डाला, गोले मारे थे और पूर्ण समर्थ होते हुए भी उन्होंने किसी का अहित नहीं किया। उसी प्रकार अब संत रामपाल जी को सत्य बोलने का इनाम दिया जा रहा है, लेकिन सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और वो समय अब आने दो जब जनता जवाब मांगेगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा क्या है और हमें इन नकली विद्वानों ने अब तक बताया क्या है, तब छिपने को जगह भी नहीं मिलेगी। और रही बात संत रामपाल जी की जेल की, तो जिसकी बात उसकी किसी किसी बात जिसके पास साबित होती है सरकार उसके दबती है कि उन यहाँ पर कहें कि हम क्या करेंगे, भाई ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बस करे करके दिखाए। संत रामपाल जी और आर्य समाजियों के बीच सत्यार्थ प्रकाश और पवित्र वेदों को लेकर अध्यात्मिक ज्ञान चर्चा न्यूज पेपरों के माध्यम से शुरू की गई, लेकिन जब संत जी के तर्कों का जवाब आर्य समाजी देने में असमर्थ रहे तो आर्य समाजियों ने ज्ञान का उत्तर ज्ञान से न देकर हिंसा का रास्ता अपनाया और अनेक मिथ्या कहानी बनाकर के जनता व मुख्यमंत्री को भ्रमित करके सन 2006 में क्रोथा आश्रम पर आक्रमण कर दिया और संत रामपाल जी पर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डाल दिया गया। तो उसी समय से संत रामपाल जी अपने ऊपर लगे आरोपों की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई, आखिर क्यों? मैं चाहता हूं कि कोई अपने आप को आर्य समाजी कहने लग जाए, इससे वो आर्य समाज के लोग नहीं हो जाते जी। यदि उनके वाणी और चरित्र में वो बात नहीं है तो मैं उनको आर्य समाजी नहीं मानता। जिस प्रकार की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह का भड़काऊ काम वो कर रहे हैं, कानून अपने हाथ में लेकर क्रोथा कांड करवा दिया गया। बरवाला कांड करवा दिया गया। फिर संत रामपाल जी 2008 में बाहर आए, प्रचार प्रसार शुरू किया, बहुत तेजी से श्रद्धालु जुड़ने लगे। संत जी का बढ़ता बोलबाला देखकर फिर से संत रामपाल जी को सन 2014 में षड्यंत्र के तहत जमानत कैंसिल करवा के जेल में डाल दिया गया। तो संत रामपाल जी ने इन नकली विद्वानों के झूठ तथा पाखंड को उजागर करके सभी धर्म ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों की सच्चाई दिखाने के कारण ही आज जेल में है। इसी संदर्भ में कबीर साहब जी ने भी कहा था, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारंग को आए, जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सभी राड बढ़ावे, या सब संत महंतन की करनी, धर्म दास में तो से वर्णी। अर्थात जो मेरा संदेश वाहक संत होगा, उसके साथ संत महंत ईर्षा झगड़ा और विरोध करेंगे, यह भी उस पूर्ण संत की मुख्य पहचान होगी। संत रामपाल जी ने अपने करोड़ों शिष्यों के अंधविश्वास, पाखंडवाद, रीत रिवाज, दहेज प्रथा, नशाखोरी, मांसाहार, आन उपासना तथा जाति धर्म
आदि सामाजिक बुराइयों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है। और संत जी ने कहा है, जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई नारा। और इसके साथ ही संत रामपा जी ने सन 2012 में विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था और कई धर्म गुरुओं की सच्चाई से भी रूबरू करवाया था। ये सिद्ध भी किया था कि इन सभी गुरुओं की भक्ति विधि शास्त्र विरुद्ध है। और गीता जी के अध्याय 16 के श्लोक 23 में भी लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने से साधक को कोई भी लाभ नहीं मिलता है। कबीर साहब जी ने भी कहा था, कबीर करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भोकत फिरे सुनी सुनाई बात, ग्रीप कथनी के सूरे घने कथे अटम्बर ज्ञान, बाहर जवाब आवे नहीं लीद करे मैदान। जिस समय जागीर नायक ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ के लिए खुला चैलेंज किया था, तब कोई भी धर्म का ठेकेदार सामने नहीं आया जो जागीर नायक की चुनौती को स्वीकार कर सकता था। तब संत रामपाल जी ने ही डॉक्टर जागीर नायक की खुली चुनौती को स्वीकार करके 10 पॉइंटों पर झूठा सिद्ध करने की खुली चुनौती दी थी। अब हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर जागीर नायक की खुली चुनौती, देखिए वीडियो के माध्यम से। भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्म गुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर होन दो, कोई भी स्वामी होन दो, कोई भी शंकराचार्य होन दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। और वो डॉक्टर जाकिर नायक अब तक संत जी के सामने नहीं आया। अब परमात्मा ने आके विकल्प बताया, वो हमने सुना नहीं, क्योंकि नकलियों ने सुनने नहीं दिया। नकली गुरुओं ने जो आज भी पंजे अड़ाना चाहते हैं, लेकिन अब इनके पंजे उखड़ जाएंगे, अब नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि जनता शिक्षित है कि और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे घोड़ा तोब कायम करता चले मैदान। और जो लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी हिंदू विरोधी हैं, उन्हीं संत रामपाल जी ने ही इन धर्म के ठेकेदारों की लाज बचाई थी और यह सिद्ध किया कि सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्ति के आधार पर स्वामी हैं, प्रभु हैं, भगवान हैं, साहब हैं। जैसे हमारे देश में एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं। अब मंत्री या मुख्यमंत्री को कोई राष्ट्रपति कहे वो व्यक्ति महामूर्ख है, और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर है। दोस्तों वास्तविकता ये है, संत रामपाल जी हिंदू विरोधी नहीं है। संत रामपाल जी तो धर्म ग्रंथों की वास्तविक सच्चाई दिखाकर शास्त्र अनुसार साधना सच्चे मंत्रों के आधार पर बताते हैं। और श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, गणेश जी, दुर्गा जी, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म की प्रमाणित भक्ति विधि से साधना कराते हैं। शास्त्र अनुकूल साधना होने से साधक को सर्व सुख प्राप्त होते हैं, और इस भक्ति विधि से लाखों भक्तों को कैंसर, एड्स जैसी बीमारियों से जीवन दान मिल चुका है, और साधक इस विधि से पूर्ण मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। अब हम प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति कैसे हुई, माता दुर्गा और ब्रह्म का क्या संबंध है, और सर्वोच्च परमात्मा कौन है, पूर्ण मोक्ष मार्ग और प्रमाणित भक्ति विधि क्या है। प्रकाशित केवल हिंदी वाली में ब्रह्मा जी बता रहे हैं अपने पुत्र नारद को, ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 98 पे ये सब बताते हुए कि सृष्टि की रचना किसने की। यहाँ आ जाते हैं जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद, कुछ समय के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुए, तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की, और जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति कौन है, ये 100 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं हम, 100 पृष्ठ पे।
भगवान सदाशिव हैं, ये काल है सदाशिव। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाएकी रहकर सब इच्छा अनुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से, अपने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को, गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है, उसी को प्रकृति दोबारा फिर कहा है। प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस प्रकृति के आठ बुझाए, ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। कति स्पष्ट हो गया, वे जो सदाशिव है उन्हें परम पुरुष शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। 101 पृष्ठ पर हम चल रहे हैं। रुद्र संहिता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय, ये काल रूपी ब्रह्म है, ये काल रूपी ब्रह्म, ये काल है, काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, वे प्रिय और प्रियतम रूप सिक्ति और शिवा, ये पति पत्नी रूप में उस काशी में रहते हैं। देवर से एक समय उस आनंद मन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे की पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर स्वेच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। शिव बोले, वत्स, व्यापक होने से तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वोत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया, जिस प्रकार विष्णु की अवश्य मैं क्या मेरा बेहोश कर दिया। पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट हो गया कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर, इसके तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पे ये है संक्षिप्त देवी भागवत तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पृष्ठ, यहां से शुरू करते हैं। भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा करता है और कहता, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव बीन जन्म, तिरोभाव बीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु आविर्भाव और तिरोभाव होता है, अर्थात हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम ही नित हो, तुम ही अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति भी दुर्गा को ही कहते हैं। अब यहां देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतीथी और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी शंकर, नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देखिएगा, अब इसके हम फिर आते हुए सातवें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4-5 में इकट्ठा किया है कि मेरी दो प्रकार की प्रकृति है, एक तो अजड़ प्रकृति, ये दृढ़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के
पुण्यात्मा थोड़ा इस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता इस समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। तीन चार पांच में ही देखिएगा, अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहां देखिएगा तीसरा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूं। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूं, गर्भम दधामी, उसके संयोग से, इन्होंने कुछ अपना बना रखा, सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। चार में क्या कहा है, हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं भी स्थापन करने वाला पिता हूं। पांचवें में क्या कहा है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कह गए तो ये रोक रहे हैं तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये पांचों मिलकर परपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन पांचों ने मिलकर ये परपंच बना रखा है। वाणी अमरी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब देखते हैं वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना और माता दुर्गा अष्टंगी व ज्योति निरंजन ब्रह्म की उत्पत्ति किसने की। अथर्ववेद भाषा भाष्य भाष्यकार है तीसरे ने, ये जब प्रदजे विद्वानस्य बंधु विश्वा देवानाम जनीमा विवक्ति ब्रह्मे ब्रह्मणे उद्भारे मध्यात नीचे ऊंचे सवधा अभी प्रतस्थो। सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भक्त का विद्वानस्य जो बंधु यानी वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा है, अपने निज सेवक को, अपने जनीमा अपने द्वारा सर्जन किए हुए को विवक्ति सम ही ठीक ठीक विस्तार पूर्वक बताता है। अपने द्वारा रची सृष्टि को वो स्वयं ही बताता है कि ब्रह्मणे यानी पूर्ण परमात्मा ने मध्यात अपने मध्य से अर्थात सबद शक्ति से ब्रह्म यानी ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उजभार माने उत्पन्न करके विश्व सारे संसार को अर्थात सब लोगों को ऊंचे ऊपर सतलोक आदि और नीचे परब्रह्म व ब्रह्म के सर्व ब्रह्मांड सबधा अपनी धारण करने वाली अभी आकर्षण शक्ति से प्रतस्थौ दोनों को अच्छी प्रकार स्थापित किया। कति कंसेप्ट क्लियर। उस परमात्मा ने सबसे पहले अपने वहां एक शक्ति उत्पन्न की, उस से सब ब्रह्मांडों को ठहराया, और फिर उस परमात्मपूर्ण परमात्मा आप ही आकर अपने निज साथी को विशेष भगत को बताता है, वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक वर्णन करता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य से मध्यात अपने अंदर से अपनी सबद शक्ति से इस ब्रह्म काल की उत्पत्ति की। पांचवें में लिखा है कि उसी मूल मालिक से अभ्यग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रे अष्टंगी अर्थात दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। सैबुद्धिन्यात आष्ट्रे जनु से, आष्ट्रे माने अष्टंगी आठ भुजा वाली दुर्गा की उत्पत्ति हुई, आष्ट्रे माने अष्टंगी माया दुर्गा अर्थात प्रकृति देवी की उत्पन्न हुई, क्योंकि नीचे के परब्रह्म और ब्रह्म के लोकों का प्रथम स्थान सतलोक है, यह तीसरा धाम भी कहा कहलाता है। तस्य इस दुर्गा का भी मालिक यानी उसका भी पिता सम्राट राजा दिराज बृहस्पति सबसे बड़े बड़ा पति यानी परमेश्वर
वह जगत गुरु देवता परमेश्वर है। इसका भी पिता यानी मालिक, इस दुर्गा का भी मालिक वो परमात्मा ही है, जिससे सबका वियोग हुआ है, जो सबसे विमुख होकर आए हैं, वहां से बिछड़े हैं। अतः इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत निरंजन अर्थात काल के, शुक्र माने बीज शक्ति से, जनिष्ठ दुर्गा के उदर से उत्पन्न होकर विप्रा भक्त आत्माएं अलग से धूमंतु, धूमंत माने मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक में ज्योति निरंजन के आदेश ने, के आदेश से दुर्गा ने कहा वसंतु, यानी स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक पर निवास करो, निवास करने लगी। कति स्पष्ट कर रखा है। अब सातवें में कमाल किया कि वो कौन है, वो परमात्मा जो देव बंधु है, सबका साथी है, जिसने उस ऊपर के लोक रचे, नीचे के लोक रचे, दुर्गा की उत्पत्ति की, काल ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की, वो है कौन। इस सातवें मंत्र में स्पष्ट कर दिया वो कबीर देव है। अथर्वाणम पितरम यानी जगत, अथर्वाणम माने निश्चल अचल अविनाशी है जो, पितरम माने सबका पिता, देव बंधु सभी पुण्यात्माओं का साथी, बृहस्पतिम जो सबसे बड़ा भगवान, नमसा यानी जो विधिवत साधना करने वाले को सुरक्षा के साथ, गच्छात माने वहां जो चले गए सतलोक में उनको ले जाने वाला, तो माने विश्व विश्वसाम जनिता, यथाश कबीर देव न दभायत सर्व सवधावान, ये कबीर देव, ये कबीर देव, वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है, जो अथर्वाण माने अचल अविनाशी, पितर माने जगत पिता, देव बंधु भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम जगत गुरु, बृहस्पति माने सबसे बड़ा ज्ञान दाता परमात्मा, चै तथा नमसा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ गच्छात सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों का की जनिता, रचना करने वाला अर्थात जगदम्बा अर्थात माता के गुणों से युक्त भी युक्त, न दभायत काल की तरह धोखा न देने वाले वाले, स्वाधावान मन स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा ज्यो का त्यों अर्थात वैसा ही वह, स माने वह, तो माने आप, कबीर देव है, कबीर देव, कबीर देव भाषा बिन होने से इसे हम कबीर साहब कहते हैं, वो कबीर साहब है। और ब्राह्मण जी ने सबसे पहले श्लोक ये बोला था कि काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, बाण भाई ताम स्वरूप बना दिए उसने, यु काश्यप गोत्रा और काश्यप गोत्री एक गोत के क्यों करो हम, इस तत्व ज्ञान से दास परिचित था, लेकिन उनको उस समय यह बताना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो तो सारे फिर वो दूसरे ज्ञान से भरे हुए थे, तो मेरे वह बात समझ में आ गई रहे सचमुच, ये तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उससे समझ में आती है। परमात्मा कहते हैं काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री पंडित शाखा लाया, और कोई तत्वेता ज्ञानी जाना यू बाण ब्याह घर लाया, कोई तत्वदर्शी संत ही जानता है कि बाण को ब्याह के घर लाया था, और इस आप किसी भी फेरे हम देख लिए सबसे पहले ये पंडित ने बोलेंगे काश्यप गोत्रा काश्यप गोत्री, फिर और उठ पटांग बिराना के बोलिया करें, तो पहला श्लोक है इनका। अब परमात्मा की आगे जो लाइन है पंक्तियां हैं अब समझ में आएंगी आपके, क्या बताते हैं, माँ अष्टंगी पिता निरंजन ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई ही पीछे से माया उपजाई, पहले ज्योति निरंजन को अंडे से उत्पन्न किया और पीछे दुर्गा की का शरीर बनाया परमात्मा ने अपनी सबल शक्ति से, और फिर दुर्गा के रूप को देख करके सुंदरता को देख कर ये काल उसके ऊपर वसीभूत हो गया, ये तीन पुत्र उत्पन्न किए। क्या कहते हैं, ज्ञान बोध और बोध सागर में प्रश्न नंबर 21 पर, धर्मदास ये जग बोराना कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कही एक राम नियारा, ये राम है यहां पर।
अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, और ये जम दारुण वंशन अंदन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत खाए। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा पुकारी, मे साहेब मेरा करो बारी। धर्मराय को हिकमत कीना, नख रेखा से भंग कर लीना। दुर्गा के स्त्री इंद्री नहीं थी, इसने अपने नाखनों से बनाया। धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तबासा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, और ब्रह्मा विष्णु शिव नाम दराए। तीन देव विस्तार चलाए, इन में ये जगदोखा खाए। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे। परमात्मा को कैसे जाने, काल सबको भ्रमित किए हुए है। तीन लोक अपने सुत जिन्हा, सुन निरंजन बासा लीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु से भेद नहीं जाने। तीन देव सो उसको जहां निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भी इस निरंजन की पूजा करने लगे हैं, इसका भी ये पार नहीं पा सके। अलख निरंजन ये काल बड़ा बटपारा, तीन लोक के जीव कीन आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। और इस काल के तीन के सुत हैं तीनों देवा, तीन माने उनके दुर्गा, और इस काल के पुत्र हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और अंदर जीव करते हैं सेवा, अंधे लोग इन्हीं की पूजा करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीन गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में, ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना, कैसे उतरे पार। अब ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, और इन्हीं सब सदग्रंथों में ये विद्यमान है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता ये काल और दुर्गा है। आइए अब जानते हैं पूर्ण मोक्ष मार्ग और शास्त्र अनुकूल साधना क्या है। संत रामपाल जी महाराज प्रथम बार में श्री गणेश जी, श्री ब्रह्मा सावित्री जी, श्री विष्णु लक्ष्मी जी, श्री शंकर पार्वती जी व माता शेरावाली का जाप देते हैं, जिसका आवास हमारे मानव शरीर में बने चक्रों में होता है। मूलाधार चक्र में श्री गणेश जी का वास, स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री जी का वास, नाभि चक्र में लक्ष्मी विष्णु जी का वास, हृदय चक्र में शंकर पार्वती जी का वास, कंठ चक्र में शेरावाली माता का वास, और इन सब देवी देवताओं के आदि अनादि नाम मंत्र होते हैं, जिसका वर्तमान में गुरुओं को ज्ञान नहीं है। इन मंत्रों के जाप से ये पांचों चक्र खुल जाते हैं। इन चक्रों के खुलने के बाद मानव भक्ति करने के लायक बनता है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं कि पांच नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम किलियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। भावार्थ, पांच नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। दूसरी बार में दो अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें एक ओम और दूसरा तत् जो कि गुप्त है उपदेशी को बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में शार नाम देते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है, उसे सतगुरु ही देते हैं। अब जानेंगे प्रमाणित भक्ति विधि क्या है और पूजनीय और सर्वोच्च परमात्मा कौन है। सबका मालिक एक परमेश्वर, परम ईश्वर, परम ईश्वर, परम वर ईश, परम पूर्ण ब्रह्म, पर ब्रह्म, ब्रह्म परम अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष। अर्थात परमेश्वर शब्द के संधि विच्छेद में ईश सबसे छोटा परमात्मा है, उससे बड़ा उसका वर अर्थात ईश का स्वामी ईश्वर, और ईश्वर से भी बड़ा परमेश्वर होता है। अर्थात परमेश्वर शब्द से तीन परमात्माओं का बोध होता है, जैसे ईश और ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म, पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म जिसे पार ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। इस बात का उल्लेख पुराणों में है, संतों की वाणियों में है,
और गीता जी में भी है। ओम तत् सत् गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में एन सीन काफ कुरान शरीफ सूरा 42 आयात 1 में नाम मंत्र का संकेत है। परमात्मा की वाणी है कि कबीर कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न होए, सार नाम मुक्ति का दाता वाके जाने न कोई। संतों की वाणियों में सतनाम सार नाम का जिक्र है, वह यही तीन मंत्रों का मेल है। इस सांकेतिक मंत्र को पूर्ण रूप से जानने के लिए तत्वदर्शी संत बाखबर की खोज करनी चाहिए। वह संत ही पूर्ण होता है जो पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान कराता है तथा पूर्ण मंत्र नाम प्रदान करता है जिससे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। इस विधि से साधना करके साधक फिर लौटकर इस संसार में कभी वापस नहीं आता। तीन बार में नाम जाप देने का प्रमाण है गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मण तेन वेदा च यज्ञ च विहिता पुरा। ओम ब्रह्म का, तत् सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का, सत पूर्ण ब्रह्म का, ऐसे यह तीन प्रकार से पूर्ण परमात्मा के नाम सुमरण का निर्देश संकेत कहा है। और सृष्टि के अनादि काल में विद्वानों ने बताया कि उसी पूर्ण परमात्मा ने वेद तथा यज्ञादि रचे। संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड 5 श्लोक नंबर 8 का भाषा भाष्य है। मनीषी भी पवते पूर्य कबीर निर्वियत परिकोशान अशिष्य दत्त त्रितस्य नाम जनयन मधु चरणिंद्रश्य वायुम संख्याय वर्धयन। शब्दार्थ है सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को तीन मंत्र अर्थात नाम उपदेश दे के पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कार वश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हुआ कि पवित्र चारों वेद भी साक्षी हैं कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव कबीर परमेश्वर है तथा तीन मंत्र के नाम का जाप करने से ही पूर्ण मोक्ष होता है। कबीर परमेश्वर जी भी 600 वर्ष पहले इन धर्म ग्रंथों की सच्चाई वाणियों के माध्यम से बताते थे। इन नकली मुल्ला पंडों ने अपने पाखंड को छिपाने के लिए परमेश्वर पर अनेकों जुल्म करवाए और अब संत रामपाल जी कबीर सागर के आधार पर ही सभी सदग्रंथों में सच्चाई दिखा रहे हैं और अब इन नकली संत महंतों को हजम नहीं हो रही है और ये अब नकली गुरु अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए राजा और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इनका आध्यात्मिक ज्ञान जीरो है। इसीलिए संत रामपाल जी पर कीचड़ उछाल रहे हैं लेकिन अब जनता पढ़ी लिखी समझदार है, इन सदग्रंथों को खुद पढ़ सकते हैं। और कबीर साहब जी कहते हैं कि जानबूझ साची तजे करे झूठ से ने ताकि संगत हे प्रभु सोपन में भी ना दे, अर्थात सच्चाई जानकर भी झूठ को महत्व दे ऐसे निकम्मे का संग सपने में भी न करें। धन्यवाद। इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।